आज एक शांत और खूबसूरत से सुबह है, पर जिंदगी में सारे सुबह एक जैसी नहीं होती, जैसे कि हमारे पिछले 14 दिन। अब ये नया अवतार देख के आपने कुछ तो अंदाजा लगा ही लिया होगा। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मरीन मंत्रा। आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोविड से प्रोटेक्शन ले रहे हैं। हालांकि केसेस कम हो रहे हैं इंडिया में, जहां तक कि मुझे समझ आ रहा है। और आप लोग में से कई लोग ऑलरेडी ये बोल रहे होंगे, अरे भैया जी ये क्या कर लिए लुक के साथ, मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या कर लिए। तो शायद कुछ लोगों को पता होगा, बाकी लोगों को मैं बता दूं कि जिस दिन मैं छुट्टी पे आया, इंडिया लैंड किया, मैंने पटना लैंड किया और पटना में ही था तब तक मुझे ये न्यूज़ मिली कि मेरी दादी का डेथ हो गया, सी पास्ड अवे। एंड पटना से आई रश्ट टू विलेज, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में शेयर नहीं किया था। मैंने बस बोला था कि कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए थे, इंसिडेंट हो गया था, वो यही था। एंड रश टू विलेज, विलेज गया मैं, गांव में था अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक तक, जो रिचुअल्स होते हैं 13 दिन, और जिसके कारण अभी आपको दिख रहा होगा। अभी तो फिर भी सब कुछ ठीक है, एट दैट टाइम थिंग्स वर नॉट सो गुड, बट अभी तो ये रिचुअल्स के बाद नया लुक, बस मूछे रख लिए थोड़ी सी, बाद में सेट करेंगे, ठीक है, आ जाएगा, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। एनीवेज, तो ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक क्या है ये आपको पढ़ के पता चल गया होगा। तो हमारा आज का जो वीडियो है, इसमें कुछ ज़्यादा विजुअल्स नहीं होने वाले हैं, कुछ ट्रैवलिंग नहीं है, कुछ ऐसे सीनरीज नहीं है। इसमें सिर्फ मैं आपसे बातें करूंगा और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। जब मैं बातें करता हूँ तो ज़्यादा लंबे वीडियोस तो बनाता नहीं हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस सीखी हुई चीज़ों को शेयर करना चाहूँगा कि जिंदगी में अलग अलग फेज आते हैं। पहले आता है स्कूल वाला फेज, जब आपको लोग कहते हैं कि अरे अच्छे से स्कूलिंग कर लो, इसके बाद तो कॉलेज लाइफ आ जाएगा, जिंदगी सेट। कॉलेज में जाते हो तो कहते हैं अरे अच्छे से पढ़ाई कर लो, इसके बाद तो जिंदगी सेट हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, सेटल हो जाओगे, फिर घूमते फिरते रहो, मस्त रहो। और फिर हम भागते भागते इस टाइम को बिता देते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, यानी कि स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज में रियलाइज करते हैं कि अरे यार स्कूल लाइफ कितना अच्छा था, कॉलेज खत्म होने के बाद रियलाइज करते हैं कि अरे यार कॉलेज लाइफ कितना अच्छा था, लेकिन वो टाइम हमने भाग भाग के निकाल दिया। अब जब आप जॉब की तरफ बढ़ते हैं तो कितनी बार क्या होता है, आपको कैंपस सिलेक्शन मिल गया, आपको जॉब वहीं मिल गया, कितनी बार आपको जॉब नहीं मिलता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम जाता है। एंड अभी मैं आपसे ये टॉपिक क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है ना, जब आपको अगर जॉब नहीं मिल रहा या जॉब नहीं मिलने वाला जो टाइम होता है ना, इसमें बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत एक्शंस ले लेते हैं कितनी बार। और अभी कोविड का ऐसा टाइम है जहाँ पे जॉब की मारामारी चल रही है, मतलब जॉब वैसे ही कम है और जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं ये सिचुएशन अभी ज़्यादा है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है पर जॉब नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब सच में डिप्रेशन में जाना चाहिए या लगे रहना चाहिए या परेशान रहना चाहिए? अब देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो प्रेशर तो आएगा आपके घर वालों से ज़्यादा ही, सोसाइटी वाले जिनके मतलब खुद का तो ठिकाना नहीं है, मतलब पूछने आ जाएंगे, अरे तुम्हारा जॉब हुआ क्या? तो मैंने अभी अभी क्या बोला कि आपको कॉलेज में लगता है कि यार स्कूल वाज द बेस्ट फेज, कॉलेज के बाद लगता है कि यार कॉलेज वाज द बेस्ट फेज, पर जब आपको जॉब मिल जाता है तब क्या लगता है, विच वॉज द बेस्ट फेज? ऑब्वियसली स्कूल एक अच्छा फेज है, क्योंकि वहाँ जो आपके दोस्त बने वो आपके लाइफ लॉन्ग दोस्त रहने वाले हैं। लेकिन अपने एक्सपीरियंस में आपको एक ये चीज़ बताता हूँ कि ये जो फेज है ना, जॉब नहीं मिलने वाला, या मतलब आप जब तक जॉब के लिए ढूंढ रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो, ये इवेंचुअली आपको वन ऑफ द बेस्ट फेजेज लगेगा लाइफ का। क्योंकि इस फेज में भले ही आपके जेब में 2 पैसे कम हो, पर ये जो टाइम होता है ना, आपको इतना कुछ सिखाता है, इतना कुछ सिखाता है कि ये एक्सपीरियंसेस आपके ज़िंदगी भर काम आने वाला है। तो एक्चुअल में ये टाइम डिप्रेस होने का नहीं होता है, ये टाइम एंजॉय करने का होता है। क्या ना, कल के बारे में सोच के आज के ऊपर परेशान मत करो, क्योंकि जो तुम आस लिए चल रहे हो, जो हम आस लेके चलते हैं, आप जो जो जॉब में है उनको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी, और जो जस्ट पास आउट किए हैं उनके लिए ये मैसेज है। तो ये उनके साथ शेयर करना ना, जो लोग एक्चुअल में भी पास आउट किए हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, या जो कॉलेज वाले फेज में हैं, या जो जॉब वाले फेज में आने वाले, इन लोगों के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग शेयर करिएगा ये चीज़, क्योंकि उनके काम का ये मैसेज है। जो जॉब कर रहे हैं वो ऑलरेडी रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को कि जब हम जॉब ढूंढ रहे थे और वो जो टाइम था और वो जो जेब में कम पैसे होने के बाद जो घूमने फिरने मस्ती वाले जो टाइम थी ना, वो आप और मैं समझ रहे हैं जो ऑलरेडी जॉब में, अभी मैं अच्छा सेटल्ड, मतलब ठीक ठाक सेटल्ड हूँ, ठीक ठाक सैलरी है, मतलब ठीक ठाक से ठीक है। बट ये क्या है, रश का फेज ही होता है, मतलब आपको काम करना है, काम करना है, काम करना है, एंड पैसे आएंगे, कुछ दिन में पैसे चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आप 1 महीने काम करोगे, फिर 1 हफ्ते तक सैलरी आपकी चलेगी, ये साइकिल है, चलता रहेगा। पर वो जो टाइम था ना जब आपको जॉब चाहिए था, या जब आपको जॉब चाहिए होगा, ये फेज मिस आउट मत करो, ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा फेज होता है।
सबसे अच्छा नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट फेज तो ज़रूर होता है, इस फेज को एंजॉय करो। अब मैं कुछ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ था उस टाइम एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम, मतलब दिन में जॉब ढूंढता था, शाम में चले गए, मूवी देख लिया, कुछ भी कर लिया। और ये टॉपिक बस इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। वैसे दो हफ्ते की परेशानी के बाद फाइनली घर पे अभी मैं कर रहा हूँ आराम। तो अभी फिलहाल दो दिन बाद मैं जाने वाला हूँ कोलकाता एंड वापस से व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। लास्ट व्लॉग छूटने का यही कारण था, आपको बताया था, मैंने डिटेल में नहीं बताया था, वो अभी बता दिया, करीबी दोस्तों को पता था। एंड नेक्स्ट व्लॉग वही अपना रूटीन पे, वीक में एक व्लॉग तो आएगा, कोशिश करूँगा दो आ जाए कभी कभी, बट एक व्लॉग जो संडे है अपना उस दिन आएगा। एंड नेक्स्ट व्लॉग अब वो बता दिया ऑलरेडी कोलकाता ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कोलकाता ट्रैवल का व्लॉग आने वाला है यहाँ से, यानी कि मुजफ्फरपुर से कोलकाता का। एंड फ्लाइट वगैरह बुक हो गया, वहाँ जाके बस पढ़ाई करना है। इस वीक का एग्ज़ाम था, प्लान्स थे, वो ऑलरेडी टूट गए, मतलब छूट गए। सितंबर का एग्ज़ाम मैं दे नहीं पाया, फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम है एंड नो टाइम टू प्रिपेयर बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट्स। तो अभी इस महीने प्रिपेयर करेंगे और अक्टूबर में ट्राई करेंगे कि एग्ज़ाम्स अगर होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली होंगे, तो फेज टू के एग्ज़ाम्स देंगे, तो पढ़ाई करेंगे, बीच बीच में ब्लॉगिंग चालू रहेगी, आपके लिए कॉन्टेंट्स आते रहेंगे। और कोशिश करूँगा अभी शेड्यूल पर रहे, एग्जाम्स के टाइम में फिर से थोड़ा बहुत स्किप हो सकता है, आपको पता है ये प्रोफेशन ऐसा है कि कंटिन्यूटी इज टफ अगर आप हर चीज़ को बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दे, और हाँ जिनको मैंने बोला उनके साथ शेयर जरूर करें क्योंकि ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी है, ये किसी न किसी को तो एक बंदे को भी हेल्प कर जाएगा ना, तो ये वीडियो सक्सेसफुल है। और हाँ भैया, जो लोग देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो जो आपके पास अपने आप आ जाए, है कि नहीं। और कमेंट में बता दो ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा। We'll be right back.